हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखो, अपन लेक्चर नंबर 7 तक अपन बात कर चुके हैं कि जो आपका बैंड था, आपका कौन सा वाला फ्लैट बैंड, उसकी डिजाइन स्ट्रेंथ वगैरह सब कुछ अपन ने यहाँ देख लिया था। अब नेक्स्ट हेडिंग अपन पढ़ते हैं यहाँ पर, इंटरमीडिएट फ्लैट बैंड। मतलब फ्लैट बैंड का एक नेक्स्ट वो है, क्या होता है इंटरमीडिएट फ्लैट बैंड। तो नेक्स्ट हेडिंग मेरी है, वो कहता है इंटरमीडिएट फ्लैट बैंड। अब क्या होता है आपका इंटरमीडिएट फ्लैट बैंड, ये कह रहा है कि जब आपके पास अवेलेबल लेंथ ज्यादा है और वेल्डिंग कम लेंथ पर करनी है। अभी मतलब समझा दूं क्या कहना चाह रहा है आपसे। ये कहता है यदि फ्लैट वेल्डिंग करते समय अभी बता देता हूं आपको यदि फ्लैट वेल्डिंग करते समय अवेलेबल लेंथ रिक्वायर्ड लेंथ से अधिक हो, अवेलेबल लेंथ रिक्वायर्ड लेंथ से अधिक हो, तो उस कंडीशन में कौन सा इंटरमीडिएट फ्लैट बैंड उपयोग में लाया जाता है। इंटरमीडिएट फ्लैट बैंड उपयोग में लाई जाती, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है। देखो आपसे, ये आपसे कहना चाह रहा है कि मान लो मेरे कोई दो मेंबर हैं भाई। मैं आपसे ये कहना चाहूं कि मेरे पास एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। मैं टॉप से दिख रहा हूं तो इसकी विड्थ देखेगी, इसकी विड्थ देखेगी। मैं एक डायग्राम बना लेता हूं भाई, बात समझ गए ना। नीचे एक प्लेट है, एक प्लेट इसके साथ मैं ऐसे कनेक्ट करना चाह रहा हूं। टॉप से देखूंगा तो इसकी विड्थ दिखेगी और इसकी विड्थ दिखेगी, तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। वो मान लो जो नीचे मैंने कैलकुलेट लिया था, मान लो ये बड़ी वाली प्लेट की विड्थ हो गई भाई, और इसके ऊपर ये जो दूसरा लगा, ये मान लो ये एक तरह जो मैंने रिमोट लगाया था उसके ऊपर ये वाला हो गया, ऐसे ही तो हो गया ये। आप अगर देख रहे हो तो ऐसे मान लो इसको देख रहे, तो ये वाली जो विड्थ है ये तो ये हो गई, और ये वाली जो विड्थ है ये आपका ये। अब मेरा ये तो एक तरह से नीचे वाला जो मैं कैलकुलेटर दिखा रहा था वो ये रिमोट हो गया आपका, मतलब ऐसे दो प्लेट है आपकी कनेक्ट हो रही है आपका। अब देखिए, मान लो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो लेंथ है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता, आप एग्जाम्पल कर लेंगे, मान लो 500 mm है। अब वेल्डिंग जब मेरे को करनी है, मान लो मैं इसके वेल्डिंग करना चाह रहा हूं, वेल्डिंग जो कर रहा हूं, तो वेल्डिंग तो देखो आपका इधर भी, जब मैं इसको वेल्डिंग करना चाहता था इसको, मान लो इस प्लेट को, तो इधर भी वेल्डिंग कर सकता हूं और इस साइड में वेल्डिंग कर सकता हूं, दोनों साइड में कर सकता हूं। तो वेल्डिंग मान लो आपकी आपको करनी पड़ती, ये वेल्डिंग करनी पड़ती, ये वेल्डिंग आपको करनी पड़ती, तो कितनी वेल्डिंग करनी पड़ रही है आपको, 500 mm इधर और 500 mm इधर, 1000 mm आपको वेल्डिंग करनी पड़ रही है। लेकिन हो सकता है इस मेंबर पर लोड इतना कम आ रहा हो, आपका 1000 की जरूरत नहीं है, आपका तो 400 mm वेल्डिंग ही करनी है, आपको तो 300 mm वेल्डिंग करनी है भाई। अगर पूरे में आप करोगे तो 500 लेंथ ईयर, 5 से 1000 लेंथ, लेकिन मुझे वेल्ड लेंथ 1000 की जरूरत है ही नहीं, मैं बेवजह मेरी कॉस्ट क्यों बढ़ाने लगा। तो आप ये देखोगे पूरे पर वेल्डिंग नहीं करेंगे, तो सबसे पहले तो आपने देखा वास्तव में कंडीशन क्या बढ़ी यहां पर, कंडीशन क्या बढ़ रही है। देखो जो मैंने ऊपर लिखवाया था, कंडीशन क्या बनी आपके यहां पर, ये कह रहा अवेलेबल लेंथ जो है, अवेलेबल जो लेंथ है वो ग्रेटर देन है रिक्वायर्ड लेंथ से, यही तो हो रहा है भाई।
आप देख पा रहे हैं कि अवेलेबल तो 1000 mm है, जैसे 500 इधर कर सकते हो, लेकिन रिक्वायर्ड मेरी हो सकता है 400 ही करनी पड़ रही है, 300 ही करनी पड़ रही है, तो अवेलेबल लेंथ इज ग्रेटर देन टू रिक्वायर्ड लेंथ, ये कंडीशन बड़ी। तो ये क्या करता है, ये टुकड़ों में वेल्डिंग करता है, जैसे यहां थोड़े से पार्ट पर कर दी, ये थोड़ी सी वेल्डिंग कर दी, इधर वेल्डिंग कर दी आपने, ये जो टुकड़ों में अपन ने वेल्डिंग के लिए, ये कहलाती है इंटरमीडिएट फ्लैट वेल्ड। क्या कहलाती है भाई, ये जो सारी जो वेल्डिंग की है अपन ने, ये जो सारी वेल्डिंग की है अपन ने, ये जो अपन वेल्डिंग कर रहे हैं, ये कहलाती है इंटरमीडिएट फ्लैट वेल्ड। आप कैसे करोगे इसके लिए, तो सबसे पहले तो अपन ने ये बात की कि भाई कम से कम ये कितनी लेकर चले, कम से कम ये कितनी होनी चाहिए। तो ये कहता है कि मिनिमम लेंथ ऑफ इंटरमीडिएट फ्लैट वेल्ड मेरी कितने से कम नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात आ जाती है कि भैया जो मिनिमम लेंथ है फ्लैट वेल्ड की वो कितने से कम, भाई ये कितनी लूम है। तो ये कहता है कि मिनिमम लेंथ ऑफ फ्लैट वेल्ड, मतलब इंटरमीडिएट फ्लैट वेल्ड, ठीक है ना, कितनी ले। तो ये कहता है आपका 4s और 40 mm, विच एवर एक, तो मैं यहां यहां बराबर करके लिख देता हूं। ये कह रहा है कितनी आप लेंगे, ये कह रहा है 4s, 4 गुणा साइज ऑफ वेल्ड 4s, और ये s है भाई, है ना, 4s और 40 mm, मतलब ना तो 4s से कम होनी चाहिए और ना ही 40 mm से कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा भाई, विच एवर इज ग्रेटर, कि जो भी आपका इन दोनों में से बड़ा होगा। कहने का मतलब यह है कि कम से कम 40 तो रखना ही रखना है भाई। मान लो बैंड साइज 6 mm हो तो 4 गुणा 6 24 और 40 तो कितना आ जाता है आपका 40। मान लो 8 और 4 गुणा 8 32, ये आपका जो 40, तो आप देखते हैं कि 40 है। मान लो ये 12 होता तो 4 गुणा 12 48, और ये कितना 40, 48 और 40 में से बड़ा कौन सा जाएगा, 48। तो कम से कम कहने का मतलब है 40 तो रहेगा ही रहेगा, मिनिमम से मिनिमम 40 mm तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो 4s और 40 mm विच एवर इज ग्रेटर, जो भी दोनों में से बड़ी वैल्यू होगी उतना अपन लेकर चलेंगे। अब ये कहता है कि स्पेसिंग, भाई एक तरह से यहां एक यहां कर दिया, अगली यहां कर रहे, तो ये जो टर्म्स है कि स्पेसिंग कितनी लेके चलेंगे, ये जो स्पेसिंग है कम से कम इसके इससे अगली कितनी दूरी पर कम से कम होगी, तो ये स्पेसिंग कितना लेकर चलेंगे अपन। तो ये कहता है कि स्पेसिंग बिटवीन इंटरमीडिएट फ्लैट वेल्स, तो नेक्स्ट हेडिंग हो गई स्पेसिंग बिटवीन इंटरमीडिएट फ्लैट वेल्ड। ये कह रहा है कि कम से कम कितनी स्पेसिंग लेकर चलेंगे, तो ये कहता है कि 4 कंप्रेशन मेंबर, ये कह रहा है कंप्रेशन मेंबर के लिए कितनी लेकर चलेंगे, 4 कंप्रेशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर के लिए कितनी लेंगे, ये कहता है 62 और 200 mm, 12T और 200 mm, 12T और, तो अब चूंकि मैक्सिमम है ये, मैक्सिमम स्पेसिंग, ज्यादा से ज्यादा कितनी रख सकते हैं, मैक्सिमम स्पेसिंग, ये कह रहा है ज्यादा से ज्यादा स्पेसिंग कितनी रख सकते हैं, तो मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 12T और 200 mm, डेफिनेटली मैक्सिमम वर्ड क्या आ जाएगा, विच एवर इज लेसर।
क्योंकि मिनिमम जब कर देते विचार ग्रेटर आता है, मैक्सिमम कर देते विचार लेसर आता है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझाया दिया था कि मैं कहूं कोई चीज को कि ये 8 से भी कम नहीं होनी चाहिए, मैं कहूं कोई इस चीज को ये 10 से भी कम नहीं होनी चाहिए, मैं मिनिमम वैल्यू कहूं यार, जैसे मैं एकदम स्कोर है तो मैं कहते थे 8 से कम नहीं होनी चाहिए, 10 से कम नहीं होनी चाहिए, तो डेफिनेटली मिनिमम क्या आएगी, 10 ही आएगी ना, तो विचार इज ग्रेटर आया। मैक्सिमम में मैं कहूं कोई वैल्यू 30 से भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए और कोई वैल्यू 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो डेफिनेटली वो वैल्यू कौन सी होगी, 30 ही होगी, क्योंकि मैं 32 ले लेता तो 30 से तो ज्यादा हो जाए 40 से, तो आप देखते हैं कि मैक्सिमम में लेसर वाली वैल्यू लेते हैं और मिनिमम में कौन सी, ग्रेटर वाली वैल्यू लेते हैं। मिनिमम जब मैंने बोला तो विचार ग्रेटर, और जब मैं मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ इंटरमीडिएट फ्लैट बेंच, वो दोनों चीज अलग अलग है, मिनिमम लेंथ ऑफ इंटरमीडिएट, ये लेंथ है कि भाई कितनी लेंथ आप करोगे, That is length. Length of minimum length of intermediate भी एक, ये कम से कम कितना करोगे, तो 4S और 40 mm था विचार के, और ये था स्पेसिंग कि मैक्सिमम स्पेसिंग भी ज्यादा से ज्यादा स्पेसिंग कितनी रख सकते हैं आप, तो ये 12T और 200 mm हो गए कंप्रेशन मेंबर के लिए। नेक्स्ट कहता है 4 टेंशन मेंबर, नेक्स्ट किसके लिए, 4 टेंशन मेंबर, टेंशन मेंबर के लिए जो आएगा ये आता है 16T और 200 mm, कितना भाई 16T और 200 mm, आंसर क्या आ जाएगा, विच एवर इज ग्रेटर, जो भी इनमें से बड़ी वैल्यू है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां मैं किसके बारे में बात कर चुका हूं भाई, इंटरमीडिएट फ्लैट वेल्स के बारे में अपन बातें कर चुके हैं। इंटरमीडिएट फ्लैट वेल कब आप यूज करोगे, अवेलेबल लेंथ ज्यादा है रिक्वायर्ड कम, मतलब लेंथ ज्यादा वेल्डिंग कम करनी है मेरे को, तो आप जब कम कर लिए तो टुकड़ों में होगी, अब टुकड़ों में होगी तो ज्यादा से ज्यादा इंटरमीडिएट फ्लैट वेल्ड की जो कम से कम कितनी करोगे एक साथ, तो 4S और 40 mm, विच एवर इज ग्रेटर, मतलब 40 से कम नहीं होनी चाहिए, और दो इनके बीच में स्पेसिंग कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कंप्रेशन के लिए 12T और 200 mm, विच एवर इज लेसर, टेंशन के लिए 16T और 200 mm, विच एवर इज लेसर। तो ये मेरा किसके बारे में बात होगी भाई, इंटरमीडिएट फ्लैट वेल्ड के बारे में मेरी बातें हो जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग अपन पढ़ते हैं स्लॉट और प्लग वेल्ड, तो नेक्स्ट हेडिंग मेरी हो गई स्लॉट और प्लग वेल्ड। स्लॉट एंड प्लग वेल्ड है फ्लैट के टाइप, वही फ्लैट के टाइप में वही है। अब ये जस्ट एक तरह से इंटरमीडिएट का जस्ट उल्टा होता है, वहां इंटरमीडिएट में देखा था रिक्वायर्ड लेंथ जो है वो अवेलेबल ज्यादा है, रिक्वायर्ड क्या थी कम, यहां उल्टा होगा कि रिक्वायर्ड लेंथ ज्यादा है, अवेलेबल क्या है कम है, तो उस कंडीशन में अपन स्लॉट और प्लग वेल्ड का उपयोग करते हैं। तो यहां मैं अगर बोलना चाहूं तो ये कहता है यदि फ्लैट वेल्डिंग करते समय रिक्वायर्ड लेंथ अवेलेबल लेंथ से ज्यादा हो तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, स्लॉट या प्लग वेल्ड
उपयोग में लाया जाता है? मतलब आपसे ये क्या कहना चाह रहा है वो समझने की कोशिश करें। वही मैंने आपसे कहा कि भाई कोई एक प्लेट है, ये मेरी कोई एक प्लेट है भाई, मैंने क्या किया गसेट प्लेट के साथ ये कनेक्ट हुई पड़ी है, मान लो मैं फॉर एग्जांपल एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो मैं यहां ये मेरी 300 mm है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, मतलब ओवरलैपिंग जो है 300 mm ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग हो रही है भाई गसेट प्लेट के साथ, और मान लो ये मेरी, मैं आपसे कह दूं ये मेरी 150 mm है फॉर एग्जाम्पल, तो आप वेल्डिंग कितने पे कर सकते हैं? देखो इधर कर सकते हैं भाई 300 mm, तो इधर कर सकते हैं 300 mm, आप इधर कर सकते हैं कितनी 600, और 150 mm आप यहां कर सकते हैं, तो अवेलेबल लेंथ यहां कितनी है? एक तरह से अगर मैं इस क्वेश्चन में देखना चाहूं अवेलेबल जो लेंथ है वो मेरी कितनी है, यहां मैं अगर आपको समझाना चाहूं तो अवेलेबल जो लेंथ है वो कितनी जाए, 300 प्लस 300 प्लस 150, 750 mm हो जाएगी। लेकिन हो सकता है मुझे वेल्डिंग करनी हो 1000 mm, मुझे वेल्डिंग करनी हो 1100 mm, मान लो हो सकता है कि मेरे को रिक्वायर्ड लेंथ जो है वो 1100 mm, फॉर एग्जाम्पल कर रहा हूँ सारा भाई समझा, रिक्वायर्ड लेंथ मान लो मैं आपसे कहता कि रिक्वायर्ड लेंथ आपको 1100 mm है, अब आपके पास तो अवेलेबल 750 ही रहा, आपको करना कितना है 1100, तो एक तरह से कंडीशन यहां क्या बढ़ी, कंडीशन जो बढ़ी आपका ये कंडीशन क्या बढ़ी, ये कहता है इफ इफ क्या है आपका, ये कहता है कि अवेलेबल लेंथ इज लेस देन, अवेलेबल लेंथ इज लेस देन टू क्या है रिक्वायर्ड लेंथ, या मैं कहूं रिक्वायर्ड लेंथ इज ग्रेटर देन टू अवेलेबल लेंथ, उस कंडीशन में क्या करने वाले हो आप, स्लॉट और प्लग वेल्ड आर यूज, तो क्या करने वाले इस कंडीशन, स्लॉट और प्लग क्या होता है, तो ये कहता है इन दिस कंडीशन स्लॉट एंड प्लग वेल्ड आर यूज, कि भैया इस कंडीशन में स्लॉट और प्लग वेल्ड आप करते हो, तो कैसे करेंगे देखो मैं क्या करता हूं कि जैसे ये तो ठीक है उधर इस वाले पोर्शन पे मैं क्या करता हूं, ये जो मेन प्लेट थी इसमें खांचे काट देता हूं, मतलब गसेट प्लेट के साथ जो प्लेट कनेक्ट है इसमें स्लॉट काट देता हूं, जैसे ये एक स्लॉट काट दिया मैंने, मतलब इस प्लेट स्लॉट का मतलब है जो ऊपर वाली प्लेट मेरी, जैसे ये मान लो मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करना चाह रहा था, तो ये जो ये यहां से इसमें क्या करा इस प्लेट को काट दिया, खांचा बना दिया इसमें एक बड़ा, जितनी भी जरूरत हो आपको आप अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, मैं स्लॉट बना सकते हो खांचे बना सकते हो उस प्लेट में से, यहां इस पोर्शन का मटेरियल जो है वो आप निकाल सकते हैं, तो आपने देखा कि स्लॉट बढ़ गए आपके, मतलब ये जो ये स्लॉट बढ़ा स्लॉट वन, ये वाला स्लॉट बढ़ गया भाई, ये भी एक स्लॉट बढ़ गया, खांचा बढ़ गया, मतलब ये भी एक स्लॉट बढ़ गया, तो आप क्या करोगे, अब आपने देखा कि आप पूरा जो है ये इस तरह से वेल्डिंग कर सकते हो, देखो लेंथ बढ़ गई ना क्योंकि इसमें खांचा बढ़ गया, यहां पर
ये ऐसे आपको ऐसे दिख रहा है, यहां प्लेट सॉलिड है, यहां प्लेट होलो हो चुकी है, ऊपर वाली कार्ड थी एक तरह से ये होलो हो गया, ये पोर्शन होलो अभी, ये पूरा अभी सॉलिड है, ये यहां से काट दे प्लेट होलो हो गई है, जो नीचे सीधा उसके साथ ये वाला पोर्शन सॉलिड है, ये वाला पोर्शन होलो हो चुका है ना, काट दिया ना ऐसे, तो अपन देखा कि ऑटोमेटिकली आपने देखा कि आपको जो है ज्यादा लेंथ पर बेंड करने के लिए मिल गई है। अब आपने ऐसे कर दिया, ऐसे अंदर जाके ऐसे कर दिया आपने, तो ये मेरी बात हो गई, ये कौन सी वेल्डिंग कहलाती है आपका, स्लॉट कहलाती है। प्लग में कुछ नहीं करते, मैं थोड़ा सा यहां इसको आगे कर रहा हूं, थोड़ी मेरे पास जगह की शॉर्टेज है इसलिए मैंने इसको ऐसे, प्लग में कुछ नहीं करते हैं, ये जो टॉप वाली प्लेट है इसमें एक पूरा गोल राउंड या उस तरह का खाचा का वो कर देते, मतलब इसका यहां का मेटेरियल पूरा हटा देते और इसमें पूरे में वेल्डिंग कर दी जाती है, पूरा ये जो आपने होल बनाया इसमें वेल्डिंग कर देते हैं, ये कहलाता है प्लग वेल्डिंग। और ये क्या है आपकी, ये वाली कहलाती है क्या है, स्लॉट वेल्डिंग। अब एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है स्लॉट के लिए, स्लॉट वेल्डिंग के रिगार्डिंग, प्लग में तो और बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बढ़ेगा, ये स्लॉट में दो तीन क्वेश्चन पूछ लेता है। नंबर वन ये कहता है मिनिमम विड्थ ऑफ स्लॉट, पहला क्वेश्चन बड़ा मिनिमम विड्थ ऑफ स्लॉट, ये कह रहा है कि ये जो स्लॉट की विड्थ है ये वाली हो गई ना भाई, मैं थोड़ा सा इसको हटा रहा हूं, यहां ये वाली विड्थ हो गई क्योंकि खांचा जो काटा है आपने, ये विड्थ ऑफ स्लॉट है, तो मिनिमम विड्थ ऑफ स्लॉट क्या होगी, मतलब कम से कम कितना लेंगे, ये कहता 3t और 25 mm, 3t और 25 mm, क्योंकि मिनिमम बोल रहा है तो आंसर क्या आएगा, विच एवर इज ग्रेटर, विच एवर इज ग्रेटर, तो भाई कम से कम कितना चौड़ा स्लॉट काटे। सेकंड क्वेश्चन बढ़ता है मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन स्लॉट, ये कह रहा है स्लॉट के बीच में कम से कम कितनी स्पेसिंग आप रखें, मतलब एक तरह से ये खांचा काटा फिर अगला यहां काटा तो ये है वो, अब ये वाली ये भाई इस खांचे और इस खांचे के बीच की जो स्पेसिंग कितनी रखें, भाई एक स्लॉट तो ये था फिर आगे कितनी आगे काटे ये वाली स्पेसिंग कितनी रखें, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन स्लॉट, तो ये होता है 2t और 25 mm, 2t और 25 mm, विच एवर इज ग्रेटर, ग्रेटर। तो आपने यहां देख लिया कि ये दो क्वेश्चंस आपसे पूछता रहता है कि मुझे बताएं मिनिमम विड्थ ऑफ स्लॉट, स्लॉट कितना चौड़ा काटा जाना चाहिए, तो 30 और 25 mm, विच एवर इज ग्रेटर, और दो स्लॉट्स के बीच में स्पेसिंग कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2t और 25 mm, विच एवर इज क्या है ग्रेटर, वेयर टी बराबर थिकनेस ऑफ स्लॉटेड मेंबर, मतलब भाई टी कौन सी की थिकनेस होगी जिसमें स्लॉट बना रहे हैं, मतलब एक तरह से जो मेन प्लेट थी जिसमें खांचा बनाया है उसकी थिकनेस आपकी होती है, भाई दो प्लेटें हैं एक तो ऐसी है जिसमें खांचा नहीं बढ़ रहा है, तो जिसमें खांचा बढ़ रहा है तो उसकी थिकनेस आपकी क्या है, यहां पर टी के बराबर आपकी होगी। तो यहां मैंने देखो अब मेरा आप ये मान सकते हो कि 100% जो फ्लट बेल्ट वाला पोर्शन था वो आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग अपन बात करते हैं, कौन सा वाला भाई, जो सेकंड एक तरह से था क्योंकि ये फ्लैट बेल्ट के थे सारे तो मैंने एक साथ खत्म करा दिए, सेकंड था आपका बट बेल्ट। नेक्स्ट हेडिंग अपन बात करेंगे किसके बारे में, बट बेल्ट के, बट बेल्ट आपका क्या होता है उसके बारे में अपन जो है डिस्कस करने वाले, तो नेक्स्ट हेडिंग मेरी हो गई बट बेल्ट।
बट वेल्ड में आपसे क्या कहता है ये, बट वेल्ड में जब मेंबर्स एक दूसरे के एंड टू एंड कनेक्ट हो रहे हो, जैसे अपन ने देखा था वही आपका दो तरह के थे लैप जॉइंट और बट जॉइंट था, तो सेम टू सेम बट जॉइंट बट वेल्ड क्या होगा, ये कहता है यदि दो मेंबर एक दूसरे के कैसे एंड टू एंड कनेक्ट करके जो है वेल्डिंग की जा रही, इस तरह का जो जॉइंट है वो बट वेल्ड आपका कहलाता है। ये क्या कहता है, ये कह रहा है यदि वेल्डिंग करते समय दो मेंबर्स एक दूसरे के एंड टू एंड कनेक्ट किए जा रहे हो, कनेक्ट किए जा रहे, तो इस प्रकार का जॉइंट क्या कहलाता है, बट वेल्ड कहलाता है। अब ये कह रहा है कि बट वेल्ड का जो साइज है, जो बट वेल्ड का जो स्पेसिफिकेशन है वो आपका थ्रॉट के द्वारा मेंशन होता है। किसके द्वारा मेंशन होता है आपका ये, किसके द्वारा मेंशन होता है, थ्रॉट के द्वारा आपका मेंशन होता है। तो ये आपसे कहता है बट वेल्ड का साइज इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस, क्वेश्चन पूछता है भाई इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस के द्वारा स्पेसिफाइड होता है। तो क्वेश्चन कई बार वो आपसे पूछता है कि बट जो है बट वेल्ड आर स्पेसिफाइड बाय, तो आपका क्वेश्चन आंसर होगा इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस। दूसरा जो आपने मैंने बताया दिया था बट वेल्ड ऐसा होता है जिसमें एंड टू एंड मेंबर्स को कनेक्ट किया जाता है। तो अभी यहां से केवल एक क्वेश्चन पूछा कि जो बट वेल्ड जो है इसका जो साइज है वो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस के द्वारा स्पेसिफाइड होता है। अब ये कहता है कि बट वेल्ड में भी जो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस है उसको कैसे करेंगे, तो ये कहता है कि फुल पेनिट्रेशन है तो क्या होगा आपका, कितना आप लेते हैं, और अगर इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन है तो आपका क्या लेते हैं। तो यहाँ नॉट में दो पॉइंट्स आपका ये बोलता है, जैसे नॉट में आपसे दो पॉइंट बोलेगा, ये कहता है इनकेस ऑफ फुल पेनिट्रेशन, द इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ कनेक्टेड मेंबर, मतलब समझा दूंगा क्या कहना चाह रहा है। सेकेंड ये आपसे कहता है इनकेस ऑफ इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, क्या कहता है आपसे, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन के बारे में बात करता है। तो ये कहता है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन में इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस अपन कितना लेकर चलते हैं, तो ये आपसे कहता है कि इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन में अपन जो है, तो सेकंड केस कहता है इन केस ऑफ इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, इससे पहले चाहे आप कंप्लीट पेनिट्रेशन किस किस के केस में होता है, तो एक तरह से इसने कहा इन केस ऑफ फुल पेनिट्रेशन, फुल पेनिट्रेशन कौन कौन से केस में, जैसे दो मेंबर हैं, मान लो मैं ये कोई दो प्लेट है ऐसे कनेक्ट हो रही है,
वेल्डिंग पूरे में हो रही है आपका, मतलब ऐसे वेल्डिंग है आपका पूरा पोर्शन पे वेल्डिंग हो रही है आपका, ये फुल पेनिट्रेशन कहलाए। जैसे सिंगल बी है मान लो आपका, कोई भी ऐसे आपका है मान लो ये आपका इस तरह से, इस तरह से आपका जो है ये आपका मान लो प्लेट है। अब वेल्डिंग जो हो रही है वो आप देख रहे हैं कि मान लो मैं जो वेल्डिंग कर रहा हूं कि पूरे पोर्शन में आपकी वेल्डिंग हो रही है, तो ये जो हो गया आपका ये पूरा आप देख रहे हो, तो ये कंप्लीट पेनिट्रेशन होगा। एग्जांपल क्या क्या हो गए आपके, एग्जांपल जो है डबल बी डबल यू से बढ़ गए, जैसे बी से बढ़ गए यू से बढ़ गए ना, डबल बी डबल यू डबल जे, इन केसों में आप फुल पेनिट्रेशन मानते हैं, वेल्डिंग जो है पूरा होगा। अब आपको ये तो केवल आपको समझाने के लिए बेसिकली, तो आपको वो कहेगा इन केस ऑफ फुल पेनिट्रेशन द इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ कनेक्टेड मेंबर, या ये मैं कहूं थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट जो इनमें से कनेक्ट हो रही है। अगर किसी भी प्लेट की थिकनेस कम होगी, मान लो ये 8 एमएम है ये 12 एमएम है, तो जो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस होगा वो थिनर प्लेट 8 एमएम के बराबर आपका हो जाएगा। तो यहां मैंने पढ़ा कि इक्वल टू थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट के लिए ये आपसे यहां पर बातें कर लेता। सेकेंड ये आपसे कहे, सेकेंड केस ये अगर आपसे कहे इन केस ऑफ इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, मतलब पेनिट्रेशन पूरा नहीं है, ये क्या है इन केस ऑफ इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन क्या हो जाएंगे, सिंगल बी से पढ़े अगर सिंगल बी सिंगल यू सिंगल जे, द इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस इज टेकन 7/8 गुणा थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। ये कह रहा है कि जो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस होगा इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन है आपका, मतलब जैसे आपका मान लो मैं आपसे कहता कि ये कोई आपकी प्लेट है, ऐसे कोई दो प्लेट कनेक्ट हो रही, तो आप देख रहे हैं वेल्डिंग केवल इस पोर्शन में होगी भाई, इस पोर्शन में आपकी वेल्डिंग होगी, तो आपने देखा नीचे तक नहीं हुई, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन है, तो पूरा पेनिट्रेशन नहीं। इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस कितना होगा, थिकनेस इज कितना 7/8 इंटू थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, तो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस जो है 7/8 इंटू थिकनेस ऑफ क्या है थिनर प्लेट के बराबर हो जाएगा। नीचे नॉट डाल के एक बात और लिख लेंगे, ये कहता है स्ट्रेस कैलकुलेशन के लिए इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन कंडीशन में जो आपका जो है थ्रॉट थिकनेस जो है वो 7/8 की जगह 5/8 ली जाती है, ठीक है ना। ये कहता है कि इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन की कंडीशन में स्ट्रेस कैलकुलेशन करते समय इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस 7/8 की जगह कितनी ली जाती है 5/8 इंटू थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट ली जाती है।
कई बार अगर वो स्ट्रेस कैलकुलेशन के लिए पूछ ले तो आपका आंसर 5/8 आएगा, अदरवाइज आपका आंसर क्या है 7/8। इस पूरे में से केवल 2 3 क्वेश्चन बढ़ते हैं अगर मैं देखूं तो। नंबर 1 बट बैंड आर स्पेसिफाइड बाई, तो क्या है इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस। सेकेंड क्वेश्चन बढ़ता है इन केस ऑफ फुल पेनिट्रेशन, वो कहता है फुल पेनिट्रेशन द इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस इज टेकन, क्या है किसके बराबर थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट के बराबर। इन केस ऑफ इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन द इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस इज टेकन 7/8 थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट आपका ली जाती है। और अगर मैं देखूं कि अगर मैं स्ट्रेस कैलकुलेशन के लिए बात करता हूं तो 7/8 की जगह वो वैल्यू मेरी 5/8 अपन लेकर चलते हैं। तो यहां मेरी इनकी सब के बारे में बात हो गई। अब इसमें एक हेडिंग आती है रीइंफोर्समेंट, एक टर्म्स आती है आपकी, क्या है रीइंफोर्समेंट, क्या होता है देखो रीइंफोर्समेंट वर्ड क्या होता है, क्वेश्चन आपसे पूछता रहता है रीइंफोर्समेंट के लिए भी। तो नेक्स्ट टर्म्स आ जाती है इस बट वेल्ड में ही, एक टर्म्स आ जाती है रीइंफोर्समेंट। अब रीइंफोर्समेंट क्या होता है उसके बारे में यहां अपन बातें करने वाले भी, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरी टर्म्स हो गई यहां पर रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या है, ये कह रहा बट वेल्डिंग करते समय जो मेंबर है उनके ऊपर एडिशनल की गई जो वेल्डिंग है वो रीइंफोर्समेंट कहलाता है। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या सरिया नहीं है, मतलब एक तरह से एडिशनल जो वेल्डिंग की जाती है। अभी समझाता हूं क्या कहना चाह रहा आपसे, ये कहता है बट वेल्डिंग करते समय कनेक्ट होने वाले मेंबर की टॉप सरफेस से टॉप और बॉटम सरफेस से एडिशनल की जाने वाली वेल्डिंग क्या कहलाती है, रीइंफोर्समेंट कहलाती है। तो ये टर्म्स कहां से आई रीइंफोर्समेंट, ये आपसे कहता है रीइंफोर्समेंट का मतलब है सरिया नहीं है, रीइंफोर्समेंट का मतलब उसमें एडिशनल स्ट्रेंथ अपन दे रहे हैं, एक्स्ट्रा वेल्डिंग कर रहे हैं। मतलब क्या है आपका, जैसे मैं अगर आपको यहां समझाना चाहूं कि ये दो मान लो वो एक प्लेट है, ये दो कोई प्लेट है, अपन ने इनको जब बट वेल्डिंग कर रहे हैं तो एंड टू एंड, तो अपन देखा यहां जब अपन इसको वेल्डिंग कर रहे हैं, जैसे अपन वेल्डिंग किया तो अपन देखते हैं कि कुछ एडिशनल ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा वेल्डिंग हो जाती है। मैं थोड़ा सा ऊपर दिखा रहा हूं ज्यादा, तो ये जो एक्स्ट्रा वेल्डिंग हुई है ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये जो एडिशनल वेल्डिंग हुई है, एडिशनल जो ये वेल्डिंग है यहां भी, इसको जो एडिशनल वेल्डिंग है क्या कहलाती है आपकी, रीइंफोर्समेंट टर्म्स कहलाती है। मतलब ये जो है ये रीइंफोर्समेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, रीइंफोर्समेंट। अब इसके रिगार्डिंग कुछ एक दो बातें हैं आपकी जो आपसे क्वेश्चन में वो पूछता रहता है कि रीइंफोर्समेंट आपका, तो नॉट में दो चीजें लिखें। नंबर 1 ये कहता है कि मिनिमम थिकनेस ऑफ रीइंफोर्समेंट जो है, थिकनेस ऑफ मेंबर जो है कनेक्टेड मेंबर है
उनका 10% से कम नहीं होनी चाहिए। तो पहला केस जो बन गया कि रीइंफोर्समेंट जो है वो आपका थिकनेस जो है, मिनिमम थिकनेस जो है वो 10% से कम नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन बना कि मिनिमम थिकनेस ऑफ रीइंफोर्समेंट, मतलब जो एडिशनल आप वो कर रहे हैं वेल्डिंग, मिनिमम थिकनेस ऑफ रीइंफोर्समेंट 10% ऑफ द थिकनेस ऑफ मेंबर, 10% ऑफ द थिकनेस ऑफ मेंबर से कम नहीं होनी चाहिए। पहला बढ़ गया कि मिनिमम थिकनेस ऑफ रीइंफोर्समेंट 10% ऑफ द थिकनेस ऑफ मेंबर से कम नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन यहां बनता है कि मैक्सिमम थिकनेस ऑफ रीइंफोर्समेंट, दोनों क्वेश्चन पूछता है भी, मैक्सिमम थिकनेस ऑफ रीइंफोर्समेंट 3 mm, कितना एमएम, 3 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम 10% ऑफ द थिकनेस ऑफ मेंबर, मैक्सिमम कितना, 3 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों के ऊपर क्वेश्चन पूछता रहता है कि मैक्सिमम कितना लेते हैं, नॉट ग्रेटर देन तो 3 mm, और मिनिमम आपका कितना होता है वो आपका हो गया कि 10% ऑफ द थिकनेस ऑफ, इससे आपका अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका यहां पर बढ़ जाता है, तीसरा पॉइंट बढ़ता है कि स्टेटिक लोड की कंडीशन में, मतलब लोड धीरे धीरे आ रहा है आपका, है ना, स्टेटिक लोड की कंडीशन में रीइंफोर्समेंट एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है या ज्यादा स्ट्रेंथ इससे मिल जाती है। कहने का मतलब है कि अगर स्टैटिक लोड्स आ रहे हैं, स्टैटिक लोड मतलब धीरे धीरे लोड आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको क्या है ये लगाना चाहिए, आपका रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट ये कहता है वाइब्रेशन लोडिंग की कंडीशन में, फोर्थ पॉइंट कहता है वाइब्रेशन लोडिंग की कंडीशन में सबसे ज्यादा जो वीकेस्ट सेक्शन होता है वो रीइंफोर्समेंट ही होता है। इसलिए यदि वाइब्रेशन लोडिंग आ रही हो तो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए यदि वाइब्रेशन लोडिंग आ रही हो तो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या करते हैं, बेसिकली जब वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो टॉप से उसको काट देते हैं, मतलब बिल्कुल स्मूथ सरफेस कर देते हैं, अर्थात टॉप सरफेस ऑफ बैंड को, टॉप सरफेस ऑफ बैंड को फ्लैट कर दिया जाता है। तो ये मेरी किसके बारे में बात होगी भाई, जो भी बट वेल्ड के रिगार्डिंग जो भी बातें थी वो आपकी मैंने यहां पर आपको बता दी। अब इसमें बस लास्ट बच गया है, मतलब आपका वेल्डिंग वाले पॉइंट में फिर बोल्ट आ जाएगा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स, बस इसमें लास्ट हो गया है, बच गया है भाई एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डेड जॉइंट। तो नेक्स्ट हेडिंग अपन लिख लेते हैं
कि भाई एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डेड जॉइंट। तो पहले एडवांटेज के बारे में बात करेंगे, फिर डिसएडवांटेज के बारे में अपन बातें करने वाले। इसके बाद ये चैप्टर मेरा खत्म हो जाएगा, वेल्ड बोल्ट बच जाएगा, मतलब कहने का मतलब है। तो नेक्स्ट हेडिंग हो गई एडवांटेज एंड डिस एडवांटेज ऑफ वेल्डेड जॉइंट कंपेयर टू रिवेट जॉइंट। ये कह रहा है भाई एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ। तो पहले अपन बात करते हैं, नंबर वन बात कर लेते हैं एडवांटेज। तो पहले बात करते हैं एडवांटेज अभी कहेगा फॉलोइंग एडवांटेज तो देखो मैंने थोड़ा टाइम आपका बचा है इसलिए मैंने ये आपके लिख दिए कौन कौन से एडवांटेज होते हैं कौन कौन से डिसएडवांटेज होते हैं ताकि आप यहाँ देख ले, बाकी तो बुक से पढ़ ही लेंगे, आप बुक से देख लेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि एडवांटेज कौन कौन से होते हैं, इसने कहा फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ वेल्डेड जॉइंट कि भैया निम्नलिखित एडवांटेज होते हैं नौ, यहां इन्होंने वन बाई वन करके नौ मेंशन कर दिए हैं एक से नौ तक। कौन कौन से होते हैं देखो, नंबर वन कह रहा है नो होल्स, मतलब एन ओ, नो होल्स रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग। जैसे रिवेट जॉइंट के लिए तो आपको होल करना पड़ता है, होल करते हैं तो उस प्लेट की या उस मेंबर की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहां कह रहा नो होल्स एन ओ मतलब नो होल्स रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग, मतलब कोई छेद होल करने की जरूरत नहीं होती। सो ग्रेटर लोड कैन कैरी कंपेयर टू रिवेट जॉइंट, मतलब सेम मेंबर का जो साइज है, सेम साइज का मेंबर है वो ज्यादा लोड कैरी करता है क्योंकि रिवेटेड में तो उसमें होल हो जाते हैं, इसलिए उस मेंबर की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, इसमें होल नहीं होते। तो सेम साइज के मेंबर से अगर मैं वेल्डिंग करूं और रिवेट करूं तो वेल्डिंग में उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा आपकी प्राप्त होती है। तो पहला कंडीशन कारण आपको पता लग गया क्या एडवांटेज। सेकेंड ओवरऑल वेट ऑफ स्ट्रक्चर आर रिड्यूस, ये कह रहा है कि ओवरऑल वेट ऑफ स्ट्रक्चर रिड्यूस हो जाता है। मान लो अब मैं ये कहूँ कि भाई मेरे को तो 50 किलोन्यूटन के लिए डिजाइन करना है, अब 50 के लिए मैं वेल्डिंग से करना चाहूँ, 50 के लिए मैं अगर क्या किससे करना चाहूँ रिवेट से करना चाहूँ, डेफिनेटली वेल्डेड जॉइंट वाले का जो वेट है वो कम आएगा क्योंकि अपन ने देखा कि इसका छोटा साइज ज्यादा लोड ले लेगा और दूसरा रिवेट विविट भी नहीं लगाने पर उसमें क्या रिवेट के लिए होल किया वहां स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गई, फिर रिवेट प्रोवाइड की उसने और उसका वेट बढ़ा दिया स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हुई और तो अपन देखा कि वेल्डिंग में जब आपका होल नहीं होते तो कम साइज का ही ज्यादा लोड ले रहे, सेम लोडिंग की कंडीशन में इसका साइज कम आपका आएगा तो ओवरऑल वेट ऑफ स्ट्रक्चर आर रिड्यूस। थर्ड इकोनॉमिकल कंपेयर टू रिवेट जॉइंट, इकोनॉमिकल होता है, क्यों इकोनॉमिकल होता है, एक तो साइज ऑफ मेंबर कम हो रह जाता है कम से ही मतलब आपका लोड कैरी कर, दूसरा फास्टनर एक्स्ट्रा फास्टनर्स की जरूरत नहीं पड़ती, रिवेट वगैरह आपको नहीं लगानी पड़ती है इसलिए रिवेट की तुलना में सस्ता होता है। नेक्स्ट कहता है गुड इन अपीयरेंस, देखने में अच्छा लगता है क्योंकि रिवेटेड में तो बल्की बल्की से हो जाता है, रिवेट सी दिखती है आपका बाहर निकले हुए तो उसका एपीरियंस अच्छा नहीं आता है। वेल्डिंग में पता ही नहीं लगता मेंबर कहां से कनेक्ट हुआ पड़ा है, कहां वेल्डिंग में पड़े दिखता भी नहीं है आपका, तो गुड इन एपीरियंस मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है, एपीरियंस इसका अच्छा आएगा, गुड इन एपीरियंस। नेक्स्ट फैब्रिकेशन स्पीड इज हाई, मतलब वेल्डिंग से जल्दी जल्दी मेंबर्स को आप जोड़ सकते हो, फैब्रिकेशन स्पीड ज्यादा होगी कंपेयर टू रिवेट जॉइंट के। नेक्स्ट टू कनेक्ट एनी शेप ऑफ मेंबर, किसी भी शेप में मेंबर्स को आप एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हो। नेक्स्ट लेस वर्किंग प्लेस रिक्वायर्ड, मतलब वेल्डिंग ली और आप थोड़े से जगह में कर दोगे जबकि रिवेटेड में तो आपको हैमर चलाने के लिए जगह चाहिएगी तो वहां स्पेस ज्यादा चाहिए होता है काम करने के लिए, यहां आप कम स्पेस में भी वेल्डिंग मेंबर्स की कर सकते हैं। एक तरह से नैरो प्लेसेज पर अगर मेरे को कहीं
मेंबर बना रहे हैं तो स्ट्रक्चर बढ़ाना है, डेफिनेटली वेल्डिंग की तरफ जाऊं क्योंकि स्पेस कम में ही काम निकल जाता है। नेक्स्ट, वेरी रिजिड जॉइंट, जॉइंट रिजिड होता है, मूवमेंट नहीं होता है, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, लोड को कैरी करता रहेगा जब तक फेल नहीं होगा। और नेक्स्ट, लेस नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन बहुत कम आपकी होती है, जैसे रिविटिंग में क्या हैमरिंग करते हैं तो आवाज आती है, इसमें बहुत ज्यादा आपकी आवाज नहीं आती है, तो नॉइज पॉल्यूशन इसकी तुलना में कम होगा। नो के नो पॉइंट, पहला होल नहीं करते इसलिए ज्यादा लोड ले सकता है, ओवरऑल वेट ऑफ स्ट्रक्चर घट जाता है, इकोनॉमिकल होता है, देखने में अच्छा होता है, फैब्रिकेशन स्पीड अच्छी होती है, किसी भी शेप में कनेक्ट कर सकते हैं, कम जगह पर काम चल जाता है, रिजिड जॉइंट होता है, लेस नॉइज, मतलब ध्वनि प्रदूषण कम होता है। नेक्स्ट आ गए डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डेड जॉइंट, कि डिसएडवांटेज क्या है, पहला स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड, मतलब आपको दक्ष आदमी चाहिए उसका, अगर किसी अनजान से आपने वेल्डिंग का काम करा दिया तो उसकी आंखें सूज जाएंगी, आपने देखा हो फर्स्ट ईयर में जब आप वेल्डिंग करते होंगे तो कैसी आंखें हो जाती थी, तो आपको दक्ष उस काम का जानकार ही चाहिए। सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, वेल्डिंग करने के लिए लाइट का होना जरूरी है, लाइट नहीं होगी तो वेल्डिंग नहीं होगी। आप फटिंग स्ट्रेंथ इज लेस, मतलब फटिंग रिवर्सिबल स्ट्रेंथ ये बिल्कुल नहीं लेता है। और नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर इज रिड्यूस्ड ड्यू टू हीटिंग एंड क्यूलिंग, मतलब जब वेल्डिंग वगैरह करते हैं तो बार बार गर्म और ठंडा होने के कारण जो मेंबर्स है उनकी स्ट्रेंथ पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, बुरा प्रभाव आपका पड़ता है, जो स्ट्रेंथ है मेंबर्स की वो रिड्यूस हो जाती है। तो ठीक है भाई, अपन ने रिविट और वेल्ड कंप्लीट पढ़ लिया है अभी तक, अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे अपन जो है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है सारे इन्हीं से आते हैं। आजकल आपने वैसे तो वेल्डेड बोल्ट कनेक्शन पढ़ा होगा, लेकिन बोल्टेड में जो फॉर्मूले होते हैं उन पर क्वेश्चन जनरली बनते नहीं, बस मेन मेन फॉर्मूले पढ़ाएंगे, उनमें भी क्वेश्चन ज्यादातर बनते नहीं। आज भी सारे क्वेश्चन वर्किंग वाले से ही आपसे पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, इससे आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक बेस्ट बोल्टेड कनेक्शन के ऊपर एक लेक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद ही अपना रिवेट बैंड और बोल्ट आपका खत्म।